मारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपने देश मारो आप नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में एक मस्जिद के सामने से बारात निकलने को लेकर हुए बवाल के बाद दो समुदाय में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नूरपुर में दलित समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, यहां तक कि गांव में उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती, जिसके चलते करीब 100 परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं। दलितों ने अपने घरों के बाहर यहां मकान बिका हुआ लिखा दिया। मामला सुर्खियों में तब आया जब बीती 26 मई को गांव के निवासी अनुसूचित जाति के ओम प्रकाश की दो बेटियों की शादी थी। वहीं इस दौरान सांप्रदायिक विशेष की भीड़ ने बरातियों पर लाठी डंडों और रोड से हमला कर दिया, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और दो बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों के मुताबिक आज गांव में 800 से अधिक मुस्लिम परिवार हैं, तो वहीं हिंदू परिवारों की संख्या 100 बताई जा रही है। आबादी अधिक होने की वजह से ये लोग इलाके में अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के अत्याचारों से परेशान होकर अपने घरों के दरवाजे पर मकान बिकाऊ लिख दिया ताकि खरीदार मिल जाए और हम किसी सुरक्षित जगह पर घर बसा सकें। कुछ दिन पहले AIMIOVC के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने धमकी देते हुए कहा कि नूरपुर में नमाज तो होगी लेकिन हिंदुओं को वहां बारात नहीं निकलने दिया जाएगा। तो इस पर पलटवार करते हुए अलीगढ़ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी ने ट्वीट करके कहा था कि अनुसूचित समाज के लोगों की बारात नहीं निकलने दी जाएगी तो मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। डॉक्टर निशिन शर्मा ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है, यदि नाजिम जैसे लोगों ने भड़काऊ बयान दिया है तो ऐसा ना हो कि मस्जिद की जगह बारात घर नजर आए, वहीं इससे बारात निकले। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।